सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ आने वाले ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको 12,000 रुपये से भी कम की कीमत में इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और ये स्मार्टफोन दोस्तों बेस्ट कैमरा क्वालिटी, बेस्ट गेमिंग और साथ ही दोस्तों बेस्ट डिज़ाइन के साथ आते हैं। दोस्तों कम कीमत में यानी कि 12,000 से कम की कीमत में ओप्पो का ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जो 5G टेक्नोलॉजी देता है, तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि इस लिस्ट के अंदर कोई 5G स्मार्टफोन भी आएगा। सारे फ़ोन 4G फ़ोन होंगे। अगर आपको 12,000 से कम कोई 5G स्मार्टफोन लेना है तो वीडियो के आखिरी में आपको एक स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो 12,000 से भी कम में 5G स्मार्टफोन है। इंडियन मार्केट का इकलौता 5G स्मार्टफोन है जो इतनी कम में भी आपको देखने को मिल रहा है। वो हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। आज की वीडियो में टॉप 3 ओप्पो के स्मार्टफोन की हम बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं दोस्तों टैग स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो बात करें दोस्तों लिस्ट में आने वाले सबसे पहले स्मार्टफोन से, जो कि दोस्तों है ओप्पो A54। दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था 20 अप्रैल 2021 को और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 पर काम करता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अपडेट आ चुका है, आप लेटेस्ट वर्जन पे भी आप स्मार्टफोन को चला सकते हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों कलर ओएस पर काम करता है और स्मार्टफोन में मीडियाटेक का हेलियो P35 प्रोसेसर दिया गया है जो कि दोस्तों 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड देता है और साथ ही दोस्तों 12 नैनोमीटर पर ये प्रोसेसर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर अच्छी देखने को मिल जाएगी। ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ कम कीमत में अच्छा प्रोसेसर आपको A54 में देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों 6.5 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। कम कीमत में डिस्प्ले ठीक है, बैलेंस डिस्प्ले ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, IPS LED डिस्प्ले। उसी के साथ दोस्तों बैक पे इसमें 3 सेंसर है। मेन सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, 2 का माइक्रो लेंस है, 2 का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में इसमें देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी और साथ ही दोस्तों 5 mAh की इसके अंदर बैटरी देखने को मिलती है जो कि 18V के चार्जर के साथ आती है। 256GB तक का इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है एक्स्ट्रा SD कार्ड के जरिए और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर का देखने को मिल जाता है। और बात करें दोस्तों इसकी कीमत की, इसकी कीमत जानकर दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। 11,990 रुपये में आपको ये 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है। इंडियन मार्केट का इकलौता ऐसा ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ फ़ोन है जो अच्छे फीचर्स कम कीमत में और 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो बेस्ट स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का नंबर 1 होगा ओप्पो A54। अब बात करें दोस्तों अपने दूसरे स्मार्टफोन की, तो हमारा अगला स्मार्टफोन है ओप्पो A55। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को, आउट ऑफ द बॉक्स से एंड्रॉइड 11 पर काम करता है और ये भी कलर ओएस पर ही बेस्ड है। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का हेलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में भी 12 नैनोमीटर ही बेस्ड है प्रोसेसर के अंदर। उसी के साथ दोस्तों 6.5 इंच की डिस्प्ले है, HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले जो कि 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट देती है। और वहीं दोस्तों अगर कैमरे की बात करें तो बैक पे इसमें 3 सेंसर है। मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, 2 का माइक्रो लेंस, 2 का मोनोक्रोम सेंसर। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। 5 mAh की इसके अंदर बैटरी है, 18V का चार्जर देखने को मिलता है। 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज इसमें भी बढ़ाया जा सकता है एक्स्ट्रा SD कार्ड के जरिए और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी देखने को मिल जाता है। और वहीं दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की भी कीमत की, तो इसकी कीमत आपको 11,446 रुपये इस टाइम अमेजोन पर देखने को मिल रही है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज स्मार्टफोन, ये भी काफ़ी कमाल का है। अब दोस्तों तीसरे स्मार्टफोन की बात करें, फिर दोस्तों वीडियो के आखिरी बात करेंगे तीनों में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है जो आप 12,000 से कम की कीमत में ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ परचेस कर सकते हैं इस टाइम इंडियन मार्केट में। सो तीसरा और आखिरी स्मार्टफोन हमारा है ओप्पो A16e। दोस्तों ये स्मार्टफोन रिस्तो लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट है, यानी कि लॉन्च हुआ है 25 मार्च 2022 को और आउट ऑफ बॉक्स से एंड्रॉइड 11 पर काम करता है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में मीडियाटेक के लिए P22 प्रोसेसर है जो कि 2 GHz की क्लॉक स्पीड देता है और प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर ही बेस्ड है। स्मार्टफोन की क्लॉक स्पीड अच्छी है तो गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ, 60Hz का रिफ्रेश रेट, मजबूत डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों बैक पे सिंगल सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 5 की सेल्फी देखने को मिलती है और इसी के साथ 4230mAh की इसके अंदर बैटरी है जो कि नॉर्मल चार्जर के साथ कोई फास्ट चार्जर इसके अंदर नहीं देखने को मिलता, नहीं सपोर्ट करता है और कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, आपको फेस अनलॉक फीचर्स देखने को इसमें मिल जाता है। बात करें दोस्तों इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत दोस्तों अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे अलग अलग है। अमेजोन से परचेस करते हैं तो 10,490 रुपये देखने को मिलेगी, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। फ्लिपकार्ट पर से परचेज करेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगी 10,990 रुपये, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों दोनों की कीमत अलग अलग जगह है लेकिन आप अमेजोन से लेकर 500 रुपये अपनी बचत कर सकते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पर परचेज करें, कम कीमत में आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। दोस्तों तीनों में से बेस्ट स्मार्टफोन आपने चुन तो लिया ही होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। मेरी नज़र में आपको लेना चाहिए ओप्पो A54। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको इतनी कम कीमत, आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है जो शायद ही आपको कोई ओप्पो का स्मार्टफोन इतनी कम कीमत में प्रोवाइड कराएगा आने वाले टाइम में भी, और फीचर्स भी इसके काफ़ी कमाल के हैं।
इस बेस प्राइस पे आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी दे रहा है, वीडियोग्राफी अच्छी दे रहा है, यानी कि कैमरा क्वालिटी जो वीडियोग्राफी होती है वो अच्छी दे रहा है, गेमिंग अच्छी दे रहा है और साथ ही डिजाइन आपको कमाल का देखने को मिल रहा है। तो मेरी नज़र में बेस्ट ओप्पो का स्मार्टफोन है 12,000 से कम की कीमत में, ओप्पो A54। और मैं दोस्तों 5G स्मार्टफोन की बात करते चलें, वीडियो खत्म करते करते, जो आपको सबसे सस्ते में इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है वो दोस्तों पोको की ब्रांडिंग के साथ आता है, पोको M4 5G। उसको आप ले सकते हैं। अगर आप पोको की ब्रांडिंग को पसंद करते हैं तो 5G स्मार्टफोन ले सकते हैं आप 11,000 से भी कम की कीमत में। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।